एक आदमी ज्वेलरी के बॉक्सेस बनाया करता था। जो बॉक्सेस जिस मटेरियल से वो बनाता था वो वेलवेट का एक बहुत महंगा कपड़ा आता था, उसके उसके बॉक्सेस तैयार होते थे। सो एक बार वो आदमी अपने घर पहुंचता है, वो देखता है कि बरामदे में बैठे हुए उसकी एक छोटी सी बेटी है। उसके उस मटेरियल से, उस कपड़े से एक बॉक्स को रैप कर रही है। वो जैसे ही वो ऐसा देखता है वो गुस्सा हो जाता है, वो एग्रेशन में आ जाता है और उस लड़की को डांटने लग जाता है कि तुम्हें नहीं पता है कि घर में इतनी गरीबी है, इतनी परेशानियाँ चल रही हैं, एंड तुम जो जो मटेरियल इस कपड़े को यूज़ कर रही हो इतना महंगा आता है, ये तुम खराब कर रही हो। तो वो छोटी सी बेटी रोते रोते बोलती है कि पापा, मैं आपके लिए गिफ्ट को रैप कर रही थी। तो वो ऐसे ऐसा सुनता है तो वो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। अब अगले ही दिन उसे घर पे होती दिवाली, और दिवाली पे वो दिवाली जाती है अपने पापा के पास और बोलती है, पापा मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ, एक तोहफा लेके आई हूँ। वो जाके जैसे अपने पापा को गिफ्ट देती है, उसी कपड़े से रैप करा हुआ एक बॉक्स। सो इसे पापा उसी वक्त उस बॉक्स को ओपन करते हैं, और जब वो उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो खाली होता है। तो फिर से वो गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें इतनी समझ नहीं है, कभी किसी को अगर तोहफा देते हैं तो उस डिब्बे के अंदर कुछ होना चाहिए, तुमने मुझे खाली डिब्बा दे दिया। तो वो लड़की फिर रोने लग जाती है और बोलती है, पापा कि ये खाली नहीं था, इसके अंदर मैंने बहुत सारी किसेस आपके लिए छोड़ी थी, इसके अंदर इस बॉक्स के पैक करने से पहले मैंने 100 किसेस आपके लिए डाली थी। तो वो जब उसके पापा ये सुनते हैं वो शांत हो जाते हैं और अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। अब अगले ही दिन जब वो लड़की स्कूल जा रही होती है तो स्कूल जाते जाते सुबह सुबह के वक्त वो लड़की एक बस से टकरा जाती है, और बस से टकराते ही ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। उसके फादर उसके हॉस्पिटल लेके जाते हैं और पता लगता है कि उस लड़की की डेथ हो चुकी है। अब उस लड़की गुजर जाने के बाद उसके पिता हर दिन उस बॉक्स को अपने सरियाने लेके सोते हैं, और जब भी अपनी बेटी की याद आती है तो वो रोते रोते इमेजिन करते हैं कि वो लड़की जैसे वो बोल रही थी कि उस बॉक्स के अंदर किसेस हैं उनके लिए, तो वो इमेजिन करते हैं कि उनकी बेटी उनके किस कर रही है। ऐसा ह्यूमन बीइंग, जब जब चीज़ें हमारे पास होती हैं तब हमें उनकी वैल्यू फील नहीं होती है। जब लोग हमारे पास होते हैं और हमें प्यार कर रहे होते हैं तो हमें उनकी वैल्यू फील नहीं होती, और जब वो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं तब हमें हर रोज़ हर लम्हा उनकी याद आती है और हमें फील होता है कि काश वो हमारे पास होते। अभी भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, जो लोग आपको प्यार करते हैं उन्हें गले लगा लो, जो लोग आपको सच में प्यार करते हैं उनको अपने पास रखो, और उनके करे हुए हर काम को आप इस तरीके से देखो कि वो आप कितनी डेडिकेशन के साथ वो कर रहे हैं। जो घर पे आपकी मम्मी बिना कुछ एक्सपेक्ट किए आप घर पे आपके लिए मेहनत कर रही हैं, आज उनकी वैल्यू फील नहीं होती, बस ज़रा फील करो वो आपके पास ना हो तो। आज आपके फादर कुछ भी बोलते हो पर अगर वो ना हो तो, आज जो लोग आपको प्यार करते हैं उनके उनको अपने साथ रखो और उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहो, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, जो फैमिली आपके पास है, जो लाइफ आपके पास है। एंड फाइनली स्प्रेड दिस मैसेज, आई वुड लाइक टू सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम कैफ कान साइनिंग ऑफ।